दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर। दोस्तों, हर जीवन बीमा अभिकर्ता यह जानता है कि जीवन बीमा एक संभावनाओं का व्यवसाय है। हर अभिकर्ता सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से वह अपना बहुत ज्यादा नुकसान भी कर बैठता है और सफल भी नहीं हो पाता। आज अपनी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे जरूरी तथ्य लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे लगता है कि यदि इन तरीकों को आप अपनाते हैं तो आप क्वालिटी ग्राहक को खोज पाएंगे। क्वालिटी ग्राहक से मेरा मतलब यह नहीं है कि ऐसे ग्राहक जो आपसे बीमा करा लें, बल्कि क्वालिटी ग्राहक कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कुछ लोगों से बीमा पॉलिसी करने के लिए बातचीत होती है, तो आप उन लोगों में यह पहचान पाएं कि कौन व्यक्ति बीमा पॉलिसी करा सकता है और कौन व्यक्ति नहीं करा सकता है। क्वालिटी ग्राहक कहने के पीछे मेरा मतलब यह है। तो फिर यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, अधिकतम अभिकर्ताओं की एक सामान्य सी कमेंट हमें हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मिलती है और वो यह होती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर, फील्ड में मैं कार्य करता हूँ लेकिन मुझे ग्राहक नहीं मिलते। कुछ लोग कहते हैं कि मैं MDRT CUT बनना चाहता हूँ लेकिन मैं कैसे करूँ। इस तरह के बहुत सारे कमेंट हमें मिलते हैं और मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं इनके उत्तर क्या दूं, क्योंकि किसी भी बीज को बोने के बाद और उसमें फल लगने में कुछ समय लगता है और उसके बीच में हर प्रक्रियाओं से होकर उस बीज को गुजरना पड़ता है, तभी वह बीज फलदार वृक्ष बन पाता है। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं कह सकता हूँ कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फल थोड़े पहले आ जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें फल आने में थोड़ी सी देरी होती है। लेकिन यदि प्रक्रिया सही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पौधे में फल न आए। अब यह अपवाद की स्थिति ही हो सकती है कि यदि सारी की सारी परिस्थितियां ही उस फलदार वृक्ष के लिए विपरीत हों तो वहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 99.9% यह गारंटी है कि यदि एक फलदार वृक्ष का बीज अगर आप जमीन में बोते हैं, सही पद्धति को अपनाते हुए उसकी देखरेख करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन उस फलदार वृक्ष में फल जरूर आएगा। दोस्तों, एक कॉमन सा कमेंट हमें हमारी वीडियोस में मिलता है कि सर, हमारा एक क्लाइंट है, मैंने उससे काफी पॉलिसी की बात की, पॉलिसी को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन उसने पॉलिसी नहीं लिया। आप बताइए कि मैं ऐसी क्या बात करूं कि वह पॉलिसी ले ले। मेरे अजीज दोस्त, मैं आपकी चाहत की कद्र करता हूं, लेकिन यदि आपने अपना 100% लगा दिया है और आपको यह लगता है कि आपने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर आप ऐसे व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हैं? एक्चुअली होता क्या है, जब कभी आप गेहूं को लेकर गए होंगे आटा पिसाने के लिए, तो वह जो साफ गेहूं होता है उसको आटा चक्की के अंदर डाल दिया जाता है, मशीन पीसकर आटा निकाल देती है। अब हमारे जो बहुत सारे अभिकर्ता मित्र हैं, वो क्या करते हैं कि वह जो आटा निकला होता है उसको चलनी से चाल लेते हैं। अब उसके बाद जो शेष भूसी बचती है उसको फिर उठाते हैं, उसी मशीन में डाल देते हैं, थोड़ा आटा फिर निकल आता है। इसके बाद फिर वह उसी को चालते हैं और जो भूसी बचती है उसको फिर आटा बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, ऐसा न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो वह जो आटा चक्की की मशीन है वो खराब हो जाएगी। यदि आपको अपनी मशीन को बचा कर रखना है और उससे अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो आपको नए नए गेहूं उस मशीन के अंदर डालने होंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप नए ग्राहकों की लिस्ट को हमेशा तैयार रखें। जीवन बीमा की भाषा में इसको हम प्रोस्पेक्टिंग करना कहते हैं। अब यदि आपको प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत हो रही है, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्रोस्पेक्टिंग की कई सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। उन तरीकों को अपनाकर आप इंडलेस ग्राहक बना सकते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप इंडलेस ग्राहक बना सकते हैं। आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। यदि आप आज की डेट में फील्ड में जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि आप यदि उन वीडियोस को देखते हैं और उनमें दी गई जानकारी को फॉलो अप करते हैं, तो फिर आप यह सोचेंगे कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, मैं पहले इसके पास जाऊँ या पहले उसके पास जाऊँ। लेकिन मेरे दोस्त, आपको उन तरीकों को अपनाना होगा, उन चीजों को सीखना होगा। अब चलिए हम आते हैं अपने मूल मुद्दे के ऊपर। सपोज दैट आपके पास तमाम प्रोस्पेक्टिंग पड़ी हुई है, तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं जिनको देखकर ऐसा महसूस होता है
कि बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, मुझे तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो यह भी नहीं कहते कि पॉलिसी हम कराएंगे, जो यह भी नहीं कहते कि पॉलिसी हम नहीं कराएंगे। अब हमारा अभिकर्ता कंफ्यूज होता है, उसको यह लगता है कि यदि मैंने इस क्लाइंट को छोड़ दिया तो कहीं ऐसा न हो कि यह क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाए। अब इस चक्कर में हमारे अभिकर्ता का बहुत सारा समय नुकसान होता है, पेट्रोल इत्यादि के चक्कर में उसके बहुत सारे पैसे भी नुकसान जाते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए मैं एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यदि आप इस पद्धति को अपनाते हैं तो ग्राहक को पहचानने में कि कौन सा ग्राहक आपसे पॉलिसी करा लेगा और कौन सा नहीं करा पाएगा, इसमें आपको मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों, जब आपने फील्ड में काम किया होगा तो फील्ड में काम करते समय ग्राहकों की अगर कैटेगरीज को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ग्राहकों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला कैटेगरी का जो ग्राहक होता है उसे हम कह सकते हैं कि यह फिट कस्टमर है, और दूसरा कैटेगरी का जो ग्राहक होता है उसे हम कहते हैं कि यह इंटरेस्टेड कस्टमर है। तो अब इन्हीं दोनों तरह के कस्टमर को मिलाकर हम इसको चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि फिट कस्टमर हम किसको कहेंगे। फिट कस्टमर वह कस्टमर होता है या पब्लिक का वह ग्रुप फिट कस्टमर के रूप में आएगा जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के योग्य होगा। जैसे में यदि आप बच्चों की पॉलिसी सेल करना चाहते हैं तो ऐसे फैमिली मेंबर जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वह आपके लिए फिट कस्टमर होगा। यदि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए 25 साल से लेकर 45 साल तक की एज ग्रुप आपके लिए फिट कस्टमर होगी। अर्थात अपने प्रोडक्ट आप जिन लोगों को बेच सकते हैं वह आपके लिए फिट कस्टमर कहलाएंगे। अब इंटरेस्टेड कस्टमर क्या होता है? इंटरेस्टेड कस्टमर हम उसको कहते हैं कि जैसे आपकी जिन लोगों से बातचीत होती है, आप जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, आपके व्यवहार अच्छे हैं, आप यदि अपने प्रोडक्ट के विषय में उनके सामने कोई बातचीत रखते हैं और उनका इंटरेस्ट आपकी ओर बढ़ जाता है, ऐसे क्लाइंट को हम इंटरेस्टेड कस्टमर कहते हैं। ऐसे कस्टमर की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर आप जुड़े हुए हैं, वह आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपने कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा, वह आपको रिप्लाई करेंगे। यानी उनका इंटरेस्ट आपकी ओर ज्यादा होता है, ऐसे कस्टमर को हम इंटरेस्टेड कस्टमर कहते हैं। अब दोस्तों, इस आधार पर हम क्लाइंट्स की कैटेगरीज को हम छांटते हैं। अब ऐसे कौन से क्लाइंट होंगे, ऐसे कौन से कस्टमर होंगे जिनको हम संपर्क करें, जिनसे हम मिलें और हमें पक्का बेनिफिट हो, अर्थात जो हमारा प्रोडक्ट है वह व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पीछे हम कितना भी समय बर्बाद कर लें, हमारा पैसा भी नुकसान होगा और हमारा समय भी नुकसान होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्लाइंट को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी, जिसको कि हम ए नाम दे देते हैं, इस कैटेगरी के अंदर फिट कस्टमर प्लस इंटरेस्टेड कस्टमर हो जाएंगे। मतलब क्या है? ऐसे लोग जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए योग्य हैं, अर्थात फिट क्लाइंट हैं, और जब आप उनसे कभी बातचीत करते हैं, आप उनके सामने अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, आपके प्रेजेंटेशन को वो पसंद करते हैं, तो ऐसे क्लाइंट को आप कैटेगरी ए में रख सकते हैं। अब ऐसे क्लाइंट जो कैटेगरी ए के अंदर हैं, जो कि फिट भी हैं और आपकी बातों में आपके प्रेजेंटेशन को पसंद भी करते हैं, आपसे उनके रिश्ते अच्छे हैं, आपको ऐसे क्लाइंट से बराबर मिलना चाहिए। यह क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के कस्टमर को, इसको हम कैटेगरी बी का नाम दे देते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हम ऐसे क्लाइंट को रखते हैं जो कि फिट क्लाइंट हो लेकिन अनइंटरेस्टेड हो। इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? फिट क्लाइंट का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के योग्य हैं, वह फिट क्लाइंट हो गए, लेकिन आप उनको प्रेजेंटेशन दिखाएं, आप अपने किसी प्रोडक्ट को आप उन्हें दिखाएं, लेकिन वह उसमें अपनी रुचि न दिखाएं, यानी उनका इंटरेस्ट आप में न हो। आपने कभी उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया या फिर आपने अपने फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पर आपने कोई पोस्ट किया हुआ है, वो उसको फॉलो अप नहीं करते, यानी उनका इंटरेस्ट आप में नहीं है, तो ऐसे क्लाइंट को हम कैटेगरी टू यानी कैटेगरी बी में रखते हैं। अब ऐसे क्लाइंट के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसे क्लाइंट को छोड़ देना चाहिए या इनको पकड़ कर रखना
रखना चाहिए। तो दोस्तों मेरी राय ऐसे लोगों के लिए यह है कि ऐसे क्लाइंट आपके तत्काल ग्राहक तो नहीं बनेंगे। जब कभी आप ऐसे ग्राहक के घर के दरवाजे के पास से या उनकी दुकान या काम करने वाले स्थान के आसपास से गुजरते हो, आप उनसे जरूर हाय हेलो करें। ऐसे लोगों के लिए आपकी सफलता इस बात में डिपेंड करती है कि आप उनकी जो इंटरेस्ट है वो जितना जल्दी आप जगा देते हैं, उतना जल्दी आप ऐसे क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। ऐसे ग्राहकों का इंटरेस्ट जगाने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि यदि इनको किसी गिफ्ट वगैरह की बात की जाए तो ऐसे ग्राहक आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, उनका इंटरेस्ट ऐसी चीजों में जल्दी बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के क्लाइंट की। तीसरे कैटेगरी में हम रखते हैं जिसमें कि अनफिट कस्टमर हो लेकिन इंटरेस्टेड क्लाइंट हो, यानी कैटेगरी सी के क्लाइंट को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग जो कि आपसे बीमा पॉलिसी खरीदने के योग्य नहीं है, हाई रेज ग्रुप का व्यक्ति है या फिर हैंडीकैप है, आप उसको उसके योग्य या उसके मनपसंद की पॉलिसी आप उसको न सेल कर पाए या फिर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो पॉलिसी आपसे खरीद पाए, तो ऐसे जो लोग हैं ये अनफिट क्लाइंट हैं। लेकिन ऐसे लोग आपको बार बार फॉलो अप करते हैं, आप यदि कोई उनको मैसेज भेजते हैं या यदि उनसे बातचीत करते हैं तो उनसे आपके संबंध अच्छे हैं, तो ऐसे क्लाइंट को आप कैटेगरी 3 में रख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि क्लाइंट अनफिट है लेकिन उसका रिश्ता हमसे अच्छा है तो फिर क्या हम ऐसे क्लाइंट को फॉलो अप करें, इनसे मिलते जुलते रहें या इनको छोड़ दें? अक्सर बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं और वह गलती यह करते हैं कि यह व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकता, तो वहाँ पर अपने रिश्ते कमजोर कर देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे जितने भी लोग आपके पास हैं, यदि आप मेरी बात माने तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे लोगों से अपने संबंध को और मजबूत तरीके से बना कर रखें। ऐसे लोग आपसे प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकते लेकिन इन लोगों के इंटरेस्ट आप में हैं, तो यह आपकी ब्रांडिंग करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यानी ऐसे लोगों के जरिए आपको बहुत सारे क्लाइंट मिल सकते हैं, तो इनसे मिलते रहें और कोशिश करें कि इनके जरिए आपको कुछ क्लाइंट मिल जाएं। अब एक कैटेगरी बचती है जिसके अंदर हम ऐसे क्लाइंट को रखते हैं जो अनफिट कस्टमर हैं और अनइंटरेस्टेड कस्टमर हैं। तो इस ग्रुप में जितने लोग होते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप इन्हें फोन करते हैं, आप यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ आप पॉलिसी सेल कर दें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका समय भी नुकसान जाएगा और आपके पैसे भी नुकसान जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी देने की कोशिश की है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आप इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर आप वीडियो को सर्च करें, वहां पर बहुत सारी ऐसी जानकारी दी गई है जो कि आपके व्यवसाय को बहुत ही बेहतर बदलाव दे सकती है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है लाइक की बटन, उसको जरूर क्लिक कर दें। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमसे अपनी बात को पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास होगा शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे सकूं। वीडियो काफी लंबी हो गई है और आपने इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखा भी है, तो इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।